नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत किसी भी विवाह को शून्य घोषित करने के लिए परिवार न्यायालय में अर्जी दाखिल की जाती है, तो क्या उसमें मिर्गी के दौरे आना, यानी कि शादी के पहले मिर्गी के दौरे आना पति या पत्नी के, जिन्होंने शादी के समय इस बात को छुपा लिया था, तो क्या इस आधार पर शादी को शून्य घोषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने यह बात तो सुनी ही होगी कि पति या पत्नी को शादी के पहले मिर्गी के दौरे आते थे, लेकिन जब उनकी शादी तय होती है तो उनके परिवार वाले आपस में इस बात को छुपा लेते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है और जब वो शादी के बाद पति या पत्नी किसी को भी शादी के पहले या फिर शादी के बाद मिर्गी के दौरे आते हैं, तो क्या इस आधार पे दोनों में से जिसको यह समस्या है वह अपने शादी को नल एंड वाइड घोषित करने के लिए, कहने का मतलब है विवाह को रद्द करने के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत परिवार न्यायालय में केस कर सकता है या नहीं, और यदि वह केस कर सकता है तो क्या उसको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मिर्गी का दौरा अब एक सामान्य सी बात हो गई है। आज की मेडिकल साइंस के अनुसार यह एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी है और इसको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 2 में भी परिभाषित किया गया है कि यह कोई एक जन्मजात बीमारी नहीं है और न ही यह एक स्थायी बीमारी है। इसका इलाज संभव है। यदि पति और पत्नी में से किसी भी व्यक्ति को शादी के पहले या शादी के बाद मिर्गी के दौरे आते हैं और इस आधार पर ही दोनों में से कोई अपने शादी को रद्द करवाने के लिए परिवार न्यायालय में अर्जी दाखिल करता है, तो मात्र इस बेसिस पे विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई दूसरा आधार, मजबूत आधार ना हो, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही छोटी और कम गंभीर प्रकृति की होती है। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, इसलिए भारतीय कानून में इस प्रकार की बीमारी का कोई महत्व नहीं है और न ही इस आधार पर किसी प्रकार से किसी भी विवाह को खत्म या फिर शून्य घोषित किया जा सकता है। उड़ीसा का एक केस था जिसमें कि पत्नी को शादी से पहले मिर्गी के दौरे आते थे, लेकिन इसमें पत्नी के घर वालों ने शादी के समय इस बात को छुपा लिया और उसके बाद जब यह बात पति को पता चली तो उसने उसके खिलाफ अपने शादी को रद्द करने के लिए परिवार न्यायालय में इसने वाद दाखिल किया, लेकिन वहाँ पे उसके वाद को मेंटेन नहीं किया गया और यहाँ पे पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया गया और कहा गया कि यह एक बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसलिए इस प्रकार से ऐसे विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था एक इन्फॉर्मेशन कि विवाह को क्या मिर्गी के आधार पर या किसी कम गंभीर प्रकृति के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है या नहीं, या फिर विवाह को रद्द किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो मच, जय हिंद।